अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह पाक के करम से सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें अपने प्यारों के साथ। और जी, मैं सबको वेलकम करती हूं अपने चैनल पे, और जो मेरे साथ हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उनके कमेंट का उससे भी ज़्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर, कमेंट प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने वीडियो देखी है एंड वीडियो एंड तक देखें। आज हम बनाएंगे अपने किचन में, अपने घर में, घर के मसालों से बहुत अच्छी सी ग्रीन चिली मटन कढ़ाई, जो आप लोगों की सबकी फेवरेट है। आजकल सबके पास बीफ मटन सब आए हुए हैं, और जी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी किसी को भी, और बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम हसबे ज़रूरत ऑयल लेंगे, ऑयल लेके और 1 kg जो है हमने मटन लिया है वो हम ऐड करेंगे, और उसको जो है थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद हमने 1 स्पून भर के इसमें लहसुन अदरक जिंजर और गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड किया है, और जी हमने 1 अदद नमक 1 स्पून हमने ऐड किया, सॉल्ट, और उसके बाद जो है हमने हरा धनिया पाउडर 1 स्पून वो हमने ऐड किया इसमें, ताकि फ्लेवर बहुत अच्छा आए और सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं हमारे मटन में। और जी ये आप किचन में चिकन में बना सकते हैं और बीफ में बना सकते हैं, और जी हम मटन में बना रहे हैं, और हम इन सारी चीज़ों को भूनेंगे ताकि जो गोश्त की, मटन की, बीफ की जो स्मेल होती है थोड़ी सी वो ख़त्म हो जाए। और ये आपके सामने, और इसको थोड़ा सा और भूनेंगे भूनने के बाद। और जी मैं रिक्वेस्ट करूँगी वीडियो एंड तक देखा करें और वीडियो वॉच किया करें। थैंक यू सो मच सबका, और दुआओं में याद रखा करें। और हम इसको ढक के पकाएंगे, हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको मिक्स करने के लिए पकाया हमने ढक के, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है अब अपने टमाटर ऐड करेंगे जो स्लाइस में कटिंग की हुई है हमने, और ये 2 टमाटर हैं बड़े वो हम ऐड करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, और 1 लेमन उसका हमने जूस निकाल लिया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और जी हम इनको भूनेंगे और इनको पकाएंगे, और पकाने के बाद और बीफ को, मटन को जब तक भुनेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और जी हमने 3 बड़ी चिली ली थी ग्रीन चिली, और उनको हम ग्राइंड करेंगे, ग्राइंड करके वो हम इसमें यूज़ करेंगे अपने मटन कढ़ाई में, ताकि जो है हमारी मटन कढ़ाई बहुत अच्छी सी बने, बहुत टेस्टी बने, क्योंकि बाहर का कोई मसाला नहीं है, सारे घर के मसाले हैं। और जी अब हम इसको चेक करेंगे, और हमारे टमाटर जो हैं गल चुके हैं, और हम इनको जो है थोड़ा सा मिक्सचर बनाएंगे। और मिक्स इट
मिक्स करके अब हम इसमें अपनी जो 3 अदद ग्रीन चिली हमने यूज़ की थी, ग्राइंड की थी, वो हम ऐड करेंगे। ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे। और जी ये मिक्स हो गई और हम इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। वाटर ऐड करके हम इसको पकाएंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि हमारा मटन जो है गल जाए। और जी ये आपके सामने 30 मिनट के बाद, और हम इसमें जो है अपनी दही ऐड करेंगे, योगर्ट ऐड करेंगे जो तकरीबन 1 पाव है, वो हम ऐड करके इसको जो है, ताकि कढ़ाई जो है ना हमारी बहुत अच्छी सी बने। और हमने 1 स्पून जो है ज़ीरा इस्तेमाल किया है, वो हम ऐड करेंगे। और साबुत धनिया ग्राइंड किया हुआ 1 स्पून, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। और जी थोड़ा सा 1/2 स्पून जो है हम गरम मसाला ग्राइंड किया हुआ, वो इसमें यूज़ करेंगे। ऐड करके हम इस सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करके जो है हम इसको 15 मिनट के लिए और पकाएंगे, ताकि सारी चीज़ें, सारे फ्लेवर्स सब एक साथ मिक्स हो जाएं हमारे मटन में, और जो बाहर के खाने हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इसकी जो खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। और हम इसमें जो है 2 ग्रीन चिली ऐड करेंगे, और जी ये हमने ऐड कर दी, और हम इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे। और जी ये पकाने के बाद आपके सामने मज़ेदार सी, यम्मी सी, क्या खुशबू है। ये मैंने डिश आउट कर दी, हमारी ग्रीन चिली मटन कढ़ाई रेडी हो गई। और आप इसको जो है गार्लिक से हम सर्व करेंगे, हरी मिर्चों से खूबसूरत बनाएंगे इसको। और प्लीज़ ट्राई करिएगा, ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। एंड अगेन सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक द बेल आइकॉन, एंड थैंक यू सो मच जो मेरे साथ हैं, जो मुझे देख रहे हैं। और प्लीज़ रेड बटन जो है उसको क्लिक करें, उसके साथ बेल लगी हुई है उसको क्लिक करें, ताकि हम दोबारा मिल सकें, मेरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और जी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जी ये ट्राई ज़रूर करिएगा, एंड थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।